नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, अन्यथा भी एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Xiaomi, आप में से बहुत सारे लोगों ने सबने Xiaomi का नाम तो सुना है क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांड है Xiaomi। तो कुछ दिनों पहले 29 जनवरी का Xiaomi ने एक न्यू फॉर्म ऑफ चार्जिंग का इंट्रोड्यूस किया है। तो आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, चार्जिंग तो आप सब निकालते रहते हैं, पर नहीं, जो Xiaomi ने निकाला एकदम प्योर नया टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और प्योरली वायरलेस चार्जर है जिसका नाम है MI Air Charge टेक्नोलॉजी। तो चलिए जानते हैं कुछ डिटेल्स इसी के बारे में। MI Air Charge टेक्नोलॉजी में एक नया रेवोल्यूशन लेके आया Xiaomi वायरलेस चार्जिंग की वर्ल्ड में। पर अभी तक हम लोग वायर वाले चार्जिंग यूज़ करते थे, केबल वाले चार्जिंग यूज़ करते थे, फ़ोन मतलब स्टैंड वाले चार्जिंग यूज़ करते थे जिसमें आप स्टैंड पर फ़ोन रख सकते हो तो वो मोबाइल चार्ज होता था, पर उसको अपने वायरलेस चार्जिंग नहीं बोल सकते। पर अभी जो Xiaomi लेके आया है MI Air Charge टेक्नोलॉजी, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को विथआउट एनी केबल और विथआउट एनी चार्जिंग स्टैंड के चार्ज कर देगा, क्योंकि अभी हम लोग वायरलेस चार्जिंग के एरा में आ चुके हैं। और जो आपको MI Air Charge टेक्नोलॉजी मिलेगी वो मतलब ऐसा बॉक्स जैसा आएगा, इतना सा मतलब स्पीकर जैसा आएगा, उसको आप बेस स्टेशन या चार्जिंग डिवाइस बोल सकते हो, इतना सा आएगा स्पीकर जितना आएगा। अब आप सोच रहे हो इसको अपने यूज़ कैसे करेंगे, काम कैसे करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रूम में एंटर करोगे तो इस बेस स्टेशन में या फिर चार्जिंग डिवाइस में 5 फेज एंटीनास लगे हुए जो कि आपकी फ़ोन की लोकेशन को डिटेक्ट करेंगे, फिर ये फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें 144 बीम फॉर्मिंग एंटीनास भी लगे हुए हैं जो कि मिलीमीटर वेव्स को ट्रांसमिट करती है डायरेक्ट आपके फ़ोन में बीम के थ्रू, और मिलीमीटर वेव्स है वो सीधा आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी बिल्कुल आराम से। और फ़ोन में 2 एंटीनास अरे भी लगे हुए हैं जो कि पहला है बीकॉन एंटीना और दूसरा है अरे जिसमें 14 एंटीनास लगे हुए जो कि मिलीमीटर वेव जो आ रही है ना उसको इलेक्ट्रो पावर में कन्वर्ट करे या टर्न करे वो एक स्पेशल सर्किट के थ्रू, फिर आपका फ़ोन आसान से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो ये चार्जिंग डिवाइस या बेस स्टेशन आपको 5 वोल्ट का चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, आगे शायद फ्यूचर में 5 वोल्ट ज़्यादा बढ़ भी सकता है। और एक साथ में ये बहुत सारे फ़ोन चार्जिंग के समय कोई रूम में इसको रख दिया है तो जैसे कि आप रूम में बहुत सारे लोग आ गए तो उसको भी चार्ज कर देगा फ़ोन बहुत ही आराम से। मतलब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, जैसे को आपने रूम में एंटर किया, आप जैसे फ़ोन निकाले जेब में तो चार्जिंग हो रहा है फ़ोन, कुछ भी मतलब वायर नहीं, कोई स्टैंड नहीं, कोई केबल नहीं, कोई प्लग ढूंढने का चक्कर नहीं, सीधा मतलब हाथ में जैसे एंटर किया रूम में सीधा फ़ोन देगा चार्जिंग हो रहा है। पर इसमें भी एक रिक्वायरमेंट है, ये मीटर्स पे आता है मतलब कितने दूर पर आप खड़े होंगे, 2, 3, 4 जितना ऐसा कैपेसिटी होगा उतने मीटर पे आप खड़े होंगे तो आपका फ़ोन चार्ज कर देगा बहुत ही आसानी से। मतलब कितना क्रेजी काम किया मतलब MI Air Charge टेक्नोलॉजी, मतलब कितना अलग चार्जिंग लेके आ गए वायरलेस चार्जिंग, मतलब हवा में ही सब कुछ चार्ज होने लगी है, जैसे आप एंटर करोगे कोई केबल वेबल यूज़ करने की जरूरत नहीं, हवा में ही चार्ज हो रहा है फ़ोन, मतलब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो ये टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है MI Air Charge टेक्नोलॉजी, मतलब इसको अभी लॉन्च होने में बहुत टाइम लगेगा, 2021 के एंडिंग में शायद लॉन्च हो सकता है, 2022 में शायद लॉन्च होगा, पता नहीं, कुछ नहीं कुछ भी हो सकता है, लॉन्च तो ये होगा जो। और मतलब अभी आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब जब अपने प्रैक्टिकल अपने सामने होगा जैसे अपने रूम में एंटर के चार्ज होगा फ़ोन तब कितना अच्छा लगेगा सोच के देखो। तो इसी वीडियो को एक लाइक बनती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।